السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سن بسنته الى يوم الدين اما بعد برادران اسلام كلمين نه طهارت میں واقع ہونے والی کچھ غلطیوں کی نشاندہی کی आज हम कुछ और ग़लतियों को लेकर हाजिर हैं तहारत में जो गलतियां मुसलमानों से वाक़ होती हैं उनमें से एक ग़लती ये भी है कि उर्दू में इसराफ से काम लेते हैं आप जानते हैं कि पानी अल्लाह ताला की एक नेमत है पानी की कदर करनी चाहिए उसकी हिफाज़त होनी चाहिए और उतना ही पानी इस्तेमाल होना चाहिए जितना वौसल और उदू के लिए ज़रूरी हो पानी के इस्तेमाल में हद से ज़्यादा तजावज़ करना अहले इल्म ने इसको करार दिया है इमाम बुखारी किताबुल किताबल़ू के आगाज़ में कहते हैं व करी है अहलमी असराफ़ी अहल इम ने पानी में इसराफ करने को करार दिया है और आगे फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ह वसलम का जो फेल है जितना पानी आपने इस्तेमाल किया उससे तजावज़ करने को भी इल्म अहम करार देते हैं पैर रसूल सल्लल्लाहु सल्ह वसलम गोसल के लिए एक सा या पाँच मुद पानी इस्तेमाल किया करते थे एक सा अहल इल्म ने उसकी मकदार बयान करते हुए कहा तकरीबन पौने तीन लीटर पानी आप गल के लिए इस्तेमाल करते और उर्दू के लिए एक मुद पानी का आप इस्तेमाल करते तकरीबन 680 सौ अस्सी मिली लीटर पानी आप उर्दू के लिए इस्तेमाल किया करते थे बहुत सारे मुसलमान पानी के इस्तेमाल में इसराफ़ से काम लेते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम का जो फ़ेल है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए पानी के इस्तेमाल में एहतियात से काम लेना चाहिए तहारत के बाब में जो गलतियाँ वाक़ होती हैं बसाओकत वजू को मुकम्मल ना करना आदाए वजू को धोते हुए इस बात का ख़ास ख्याल होना चाहिए कि कोई कहीं खुश्क बाकी न रह जाए क्योंकि अगर उर् करते हुए कोई जगह कोई खुश्क बाकी रह जाता है पानी नहीं पहुंचता है तो ऐसी सूरत में उसको दोबारा उदू करना पड़ेगा नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम की हदीस है जिसको खालिद इब्ने मैदान रजील्ला ने रिवायत किया वो फरमाते हैं कि नबी करीम वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो नमाज अदा कर रहा था आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने पाया कि एक दिरहम के मकदार उसके पैर में खुश्की पाई जाती है पानी नहीं पहुंचा है खुश्क रह गया है तो नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम ने उसको हुक्म दिया कि वो दोबारा वजू करे इमाम शौकानी रहीम हुल्ला इस हदीस को जिक्र करने के बाद कहते हैं कि इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि अगर जिसम के किसी का कोई हिस्सा खुशक को रह जाए तो ऐसी सूरत में उसको दोबारा वजू दोहराना चाहिए दोबारा करना चाहिए। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों अब हर रजील् जिस जगह लोग वजू करते वहां आप आते और जोर से आवाज लगाते जोर से निदा लगाते कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है वही कि खुश्क यू वालों के लिए व जहन्नम में एक जगह का नाम है जहां अजाब दिया जाएगा उनके लिए वेल है जिनकी एड़ियाँ खुश्क रह जाती हैं इसीलिए लोगों को चाहिए कि अपना वजू मुकम्मल करें कोई जगह ऐसी खुश्क बाकी न रह जाए जहाँ वज़ू का पानी न पहुँचा हो इसलिए अच्छे तरीके से मुकम्मल नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ला व्म ने जैसे बताया है मुसलमानों को वैसे वजू करना चाहिए अल्लाह ताली से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला नबी करीम सल्लाम की सुन्नत के मुताबिक वसल करने सुन्नत के मुताबिक वज़ू करने की तोफ़ी क़ता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम तमाम के अमाल को कबूल फ़रमाए आमीन व आखिर अलैकुम व असलम व वरक